हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, हाँ जी, ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास को। बस 1 मिनट आ गया, फिर अपने करते हैं स्टार्ट, ठीक है? हाँ जी, तो 1 मिनट जल्दी से। सभी को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, ठीक है? कौन कौन जुड़ गया देख लेते हैं। प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम, ठीक है? और अपने करेंगे क्लास को स्टार्ट। एक बार सभी के साथ में थोड़ा सा मिलने, सभी से कौन कौन जुड़ गया है देख लेते हैं। 1 मिनट स्टैंड सेट कर देते हैं। ओके, सेट है, ईजी है। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्लास को करेंगे स्टार्ट। अच्छा, इसके बाद में कौन सा टॉपिक शुरू करोगे? इसके बाद में टॉपिक जो आप कहेंगे वो शुरू कर देंगे। और बताओ, आप किसी चीज़ की जो आप कहें बताइए। 1 मिनट सभी देख लेते हैं कौन कौन जुड़ गया जी। संदीप सुथार जी नमस्कार कर देते हैं, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं जी। भूपेंद्र सिंह जी, इसके बाद कौन सा टॉपिक, बिल्कुल आप बताइए कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। लॉकडाउन तो यहाँ पर कब का लगा हुआ है। अकमल जी आ गए जी। गगनप्रीत जी नमस्कार। संदीप पवार हेलो। अच्छा, बहुत टाइम बाद आए हो भाई, क्लास मिस कर रहे हो। क्लासेस मिस मत करो संदीप। और ऑडिबल है वॉइस, प्रेपोजिशन कर देंगे बस। और बताओ, मैंने तो बोला है जैसा आप बोलोगे वैसा कर देंगे। हाँ जी, हेलो, हाय, सत श्री अकाल, की हालचाल। करेंगे टॉपिक को स्टार्ट। अब बस इसको छोड़ देते हैं। मैसेज आ गए, हेलो हेलो हो गया सभी के साथ में। एक बार अटेंडेंस लग जाती है सभी की। कौन कौन आ गया एक बार नाम लिखवा दो भैया अटेंडेंस में। बताओ भाई कौन कौन जुड़ गया है। हाँ जी, सबसे पहले जहाँ तक मेरे को लग रहा है, कमल जी, अमन, एक बार नाम लगा देते हैं सभी का अटेंडेंस में। संदीप, 3 जने, और भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी नमस्कार, शायद आप पहली बार क्लास लगा रहे हैं मेरी, मुझे लगता है। और सुरेंद्र, और कौन जुड़ गया, चिराग मिड्डा, है ना? एक बार हेलो बोल दो भाई सारे जने, फिर अपने क्लास स्टार्ट करते हैं ताकि बाद में कोई डिस्टरबेंस ना आए। एक बार स्टार्ट होएगी तो फिर रोकेंगे नहीं गाड़ी को। गगनप्रीत, ओके, तो ये 6 जने मेरे को शो हो रहे हैं, बाकी कोई है तो मैसेज कर देना, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसको मैं छोड़ता हूँ मोबाइल को, अब कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे मैसेज कर देंगे, ठीक है? चलिए, इसके बाद का टॉपिक को भी टेंशन मत लो, पहले आप इस टॉपिक को समझें क्योंकि ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले इस टॉपिक की ओर चलिएगा, नेक्स्ट टॉपिक को टेंशन मत लेना, पहले ये टॉपिक को समझिएगा। हमने कल 6 रूल खत्म कर दिए थे, आज रूल नंबर 7 के बाद बात करेंगे अपने। ओके, प्रोनाउन करवाना प्लीज, प्रोनाउन करवा देंगे। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं जी भूपेंद्र जी? प्रोनाउन करवा देंगे। देखो, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारे टॉपिक्स ही करवाने हैं, ऐसी बात तो है नहीं, बट हाँ सीक्वेंस जरूर रखते हैं। जैसे अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहे हैं तो उसके बाद का टॉपिक आपका प्रोनाउन रख देंगे या फिर प्रेपोजिशन रख देंगे, दोनों में से कोई भी एक। चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए, अब देखिए रूल नंबर 7, मेरे को ये 6 जने अटेंडेंस में लगी है मेरे, बाकी जने मेरे को नहीं दिखे हैं। कोई नया जुड़ेगा तो मैसेज कर देना प्लीज, ठीक है? 6 जने याद है मेरे को। सबसे पहले ईडीएम ऑफ द डे लिख लेते हैं। ईडीएम ऑफ द डे, आज का ईडीएम, ईडीएम ऑफ द डे। ईडीएम क्या होता है? मुहावरा। क्या मुहावरा है? स्नेक इन द ग्रास। स्नेक यानी सांप, है ना? बोला स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब क्या होता है? अ हिडन एनिमी, अ हिडन एनिमी, यानी कि ऐसा दुश्मन जो मुंह पर तो बहुत मीठा मीठा है, अंदर से बहुत हमारे साथ क्या रखता है, वो लागदाट रखता है, खार रखता है, जैसे पंजाबियों के वर्ड्स होते हैं ना अपने जैसों के, मतलब अंदर से दुश्मनी रखता है, बाहर से दिखाता है कि मैं तो तेरा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। तो स्नेक इन द ग्रास, ग्रास यानी कि घास के अंदर से स्नेक है, मतलब छुपा हुआ दुश्मन। चलिए, ये तो था ईडियम। संदीप सुतार जी नमस्कार। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक हमारा, ईडियम्स को छोड़ो, ईडियम्स तो वैसे मैंने बता दिया एक,
अपना टॉपिक तो वही रहेगा। देखो कुछ नाउन्स जो होते हैं, देखो हम बेसिकली नाउन को देखकर ही तो यूज करते हैं। मैंने आपको बोला था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट को देखकर आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो। जैसे कि इसको इरेज कर दूं एक बार, रेड पेन दिख रहा है कि ब्लैक करूं, ब्लू करूं, ब्लैक कर देता हूं या ब्लू कर देता हूं। देखो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट जैसे कि ही के साथ में आप इस का यूज करते हैं, अगर इजेमर की बात करूं तो दे के साथ सिंपल सी बात है आप आर का यूज करेंगे। इसी तरह से अगर मैं बोलूं काओ, काओ का एक काओ की बात हो रही है तो हम इसके साथ इज लगाएंगे, काओ इज, है ना। और अगर मैं बोलूं काओज तो काओज के साथ में आप आर का यूज करेंगे। बेसिक लॉजिक तो यही कहता है, कहते कि नहीं कहता कि भैया प्लूरल होएगा तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे या मेन वर्ब क्या लगा देंगे, प्लूरल लगा देंगे। बट अब आएगा ट्विस्ट। अब ट्विस्ट क्या है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, देर आर सम नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं। देर आर सम नाउन्स विच सीम्स प्लूरल, जो प्लूरल दिखते हैं, विच सीम्स प्लूरल बट इट्स एक्चुअल मीनिंग इज सिंगुलर, बट इट्स एक्चुअल मीनिंग असलियत में वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। समझ आ गया होगा। तो हमेशा आपने एस को नहीं देखना है कि काउज के साथ में आर लगा दोगे, है ना, टॉयज के साथ में आर लगा दोगे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हर जगह पे ऐसा नहीं होता है, कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जो अपने साथ में एस का यूज करते हैं, जैसे कि दिखने में तो वो प्लूरल लगते हैं बट वो काम किसका करते हैं, सिंगुलर का। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, अगर मैं यहां बोलू डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट, है ना, इकोनॉमिक्स डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट, ऑप्शन में मिले इज आर और एम, चलो ये हम देखेंगे भैया एस लगा हुआ है मतलब ये तो प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे, सीधा दिमाग लगाएंगे, अरे यार ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ठीक है आर। बट इकोनॉमिक्स क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र एक ही सब्जेक्ट है, तो यहां पर एस तो जरूर लगा हुआ है बट आप इसके साथ आर का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा जी। हाँ जी, ये आज का शुरुआत की है बिल्कुल बेसिक से रूल से, समझ आ गया जी, बिल्कुल समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। ओके हाँ बिल्कुल, जैसे कुछ और एग्जांपल्स देते हैं, इसको इरेज करता हूं, देखो सभी टॉपिक लिख लेते हैं। एक होती है न्यूज, आप देखो न्यूज सिंगुलर भी होती है प्लूरल भी होती है। न्यूज, आई गॉट अ न्यूज, मुझे न्यूज मिली, न्यूज यहां पर एक न्यूज की बात भी कर सकते हो, बहुत सारी न्यूज की बात भी कर सकते हो। या फिर बिलियर्ड्स, गेम होता है ना बिलियर्ड्स, उस गेम के पीछे भी क्या लगता है, एस लगता है, बिलियर्ड्स एक खेल है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के पीछे भी क्या लगता है, एस लगता है। जैसे कि कई लोग फिजिक्स के यहाँ पे दीवाने हैं तो फिजिक्स वाले एस लगता है फिजिक्स के पीछे। उसी तरह से इकोनॉमिक्स, आर्म्स, ये देखो ये बताओ क्या होता है, आलम्स, आलम नहीं है ये, एल साइलेंट रहेगा, आर्म्स। हाँ जी, तो ये देखो ये सारे क्या हैं, अपने साथ में एस तो लगा रहे हैं बट ये असल में क्या है, सिंगुलर है। हाँ जी बताइए, आर्म्स क्या होता है जी, इट्स ओके राजदीप जी, ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ, ध्यान रखिए बिल्कुल अपना, जितना देर लगा सकते हो लगाइए। आर्म्स, आर्म्स क्या होता है भाई, स्पीड मार के बताओ भाई, आर्म्स, आर्म्स जल्दी से बताओ राजदीप जी, आर्म्स क्या होता है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स डैश अ डर्टी गेम,
पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम है या एक ऐसा गेम है जिसके अंदर घुसना मुझे पसंद नहीं है या मुझे पसंद अच्छा नहीं है, बुरा गेम है। तो पॉलिटिक्स के साथ में डैश लगा है मतलब कि आपको एस तो दिख रहा है बट इसके साथ में आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा अगर ऑप्शन में इज एम और आर होता। आर्म्स का मतलब क्या होता है? भिक्षा मांगना है ना, भिक्षा भीख बेसिकली है ना। ये लीजिए, क्योंकि भीख मांगने के तो वर्ब हो जाएगी, असल में जो भीख होती है जो भिक्षा मिलती है उसको बोलते हैं आर्म्स। आपके दिक्कत तो नहीं है कोई? अभी स्टार्ट करेंगे टॉपिक को, इसको इरेज करता हूं। नीचे वाला रूल लिख लीजिएगा, देयर आर सम नाउन्स विच सीम्स प्लूरल, जो दिखने में प्लूरल होते हैं बट इट्स एक्चुअल मीनिंग इज सिंगुलर, बट उसका असल में मीनिंग क्या होता है? सिंगुलर होता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, अब विदाउट एग्जाम्पल हमारे को समझ नहीं आती कोई भी चीज। सर जी हमारे को तो एग्जाम्पल चाहिए, सही है क्या? नहीं, एग्जाम्पल के बिना तो ना हम नहीं समझेंगे। आप भी क्या समझ, तो भी सर एग्जाम्पल तो चाहिए। करें स्टार्ट एग्जाम्पल। मैं बोलूं कि ये न्यूज सच्ची नहीं है, सपोज कोई न्यूज बताई, मैं बोलूं नहीं यार ये न्यूज गलत है, इट्स अ फॉल्स इंफॉर्मेशन, दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, ये न्यूज सच्ची नहीं है। तो न्यूज हालांकि दिखने में तो एस यानी प्लूरल लगता है, काउज टॉयज है ना, गर्ल्स बॉयज वो अलग चीज है, बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं बट होते क्या है, वो सिंगुलर्स होते हैं, है ना। न्यूज, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, ओके। उसके बाद में देखते हैं, कोई एक गेम की बात करते हैं, सपोज बिलियर्ड्स, जैसे मैंने आपको बोला एक बिलियर्ड्स गेम होता है, भैया मैंने खेला तो नहीं है बट हाँ इतना जरूर पता है एक गेम होता है, बिलियर्ड्स डैश अ माइंड गेम। बिलियर्ड्स क्या है? एक माइंड गेम है, यानी कि आपका दिमाग लगता है उसके अंदर काफी सारा। इज एम या फिर आर, देखो एम का तो चक्कर ही नहीं है, दिक्कत तो सिर्फ इज और आर में आएगी, इज आएगा या आर आएगा, यहां पर इज आएगा, क्यों? क्योंकि बिलियर्ड्स यहां पर सिंगुलर है, एस जरूर लगा है बट ये सिंगुलर का काम करता है। बताओ कोई दिक्कत है कि नहीं है? अच्छा एक और होता है, एक कोई चीज होती है, हम अकाउंटेंसी वाले हैं तो हमारे को थोड़ी ज्यादा दिमाग में घुस जाती है, हमारे जैसे क्या होता है लाइबिलिटीज होती हैं, सपोज लाइबिलिटीज, एक होती है असेट्स, लाइबिलिटीज तो होते हैं कर्ज, असेट्स होती है हमारी चीजें, जैसे सपोज कोई कंपनी है, कंपनी के पास में फर्नीचर उसकी असेट है, कैश उसकी असेट है ना, काफी सारी चीजें उसके पास में, यानी वो उसकी पोजेशन है, उसके ऊपर कब्जा है उसका, तो असेट्स। तो अगर मैं बोलूं कि फर्नीचर इज माय असेट्स, तो अगर मैं असेट्स की बात करता हूं तो सपोज असेट्स डैश वेरी इंपॉर्टेंट टू रन अ बिजनेस, असेट्स डैश वेरी इंपॉर्टेंट टू रन अ बिजनेस, कोई दिक्कत तो नहीं है? असेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन अ बिजनेस, देखो क्या मतलब हुआ कि असेट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि अगर मेरा सोचूं कि भैया असेट्स में तो सर जी बहुत सारी होती है, फर्नीचर भी होती है, मशीनरी भी होती है, अगर मैं प्लूरल के सेंस में बोलूंगा तो मैं बोल दूंगा ऑल द असेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, शुरुआत में क्या लगा दूंगा, ऑल द असेट्स आर वेरी, यहां पर फिर इज नहीं आएगा, फिर यहां पर आर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर मैंने ऑल का यूज किया, इसका मतलब क्या है, मैंने असेट्स को प्लूरल बनाया। आप उसको प्लूरल बनाएंगे होगा वो सिंगुलर ही, ठीक है? कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो आगे चलेंगे। अच्छा एक बीमारी होती है रिकेट्स है ना, हड्डियों की कुछ बीमारी सी होती है वो, भगवान ना करे किसी को भी हो, तो रिकेट्स क्या है? एस तो जरूर लगा है बट ये एक सिंगुलर डिसीज है, रिकेट्स इज अ वेरी या फिर रिकेट्स इज अ हजार्डस डिसीज। अब देखो ये मैंने लगाया रिकेट्स, तो रिकेट्स का मतलब क्या है, एक बीमारी की बात कर रहा हूं, दिखने में तो ऐसा लगता है बट ये सिर्फ एक ही बीमारी है, तो इसके साथ में आप आर का यूज नहीं करोगे, इज का यूज करोगे, वोज का यूज कर सकते हो आपकी इच्छा, बट हां सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, बात खत्म। संदीप जी समझ आ गया जी?
मैसेज देख रहा हूं मैं, कोई मैसेज, कोई डाउट है तो पूछिए। इज देयर एनी डाउट, कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ जी, कोई डाउट? समझ आ गया? बहुत ही बढ़िया, डन है। चलिए, लेट्स मूव ऑन। नो डाउट, धन्यवाद जी। हाँ जी, हाँ जी, कोई डाउट देखिए जल्दी से। सारे साथ के साथ जने। संदीप सुधार जी, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं एक बार बताइएगा मेरे को, ताकि मैं उसको दिमाग में रख के तैयारी करवा सकूं। आपका नेट नहीं चल रहा तो आप नेट को कहिए कि दवाई खा ले, बट चलना शुरू कर। दवाई खिला दो नेट को, दवाई दो नेट को। कई बार हम बीमार हो जाते हैं, हम चलते फिरते हैं नहीं, दवाई खाते हैं, सही हो जाते हैं। नेट को भी दवाई दो। हाँ जी, आपका पता है मुझे, आयल्स कर दी आपने, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो उनसे पूछ रहा था, मेरे को शायद आज ही मिले हैं वो। चलिए, तो ये तो हो गया एक छोटा सा टॉपिक, जहां पर हमने ये देखा कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसको दिखने में तो प्लूरल लगते हैं, बट होते असल में वो सिंगुलर हैं। असल में काम किसका करते हैं? वो सिंगुलर का काम करते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट की, इसको इरेज करता हूं और आपको ये एग्जाम्पल्स लिखने हैं, कहीं हम बिना लिखे जा रहे हैं। अच्छा, एक और बात, आज की क्विज के अंदर जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन या रिजल्ट दिया और जिन्होंने नहीं दिया टेस्ट, वो तो बात ही ना करो, कोई फायदा ही नहीं आपसे बात करने का। जिन्होंने टेस्ट अच्छे से दिया उनके नेम बताऊं। सबसे पहले रिया जी, जिन्होंने 5 out of 5 लिए, है ना। उसके बाद में सेकेंड में काजल, दोनों लड़कियां आ गई हैं, देखो काजल जी जिन्होंने 4 out of 5 लिए। और थर्ड हमारे थे, मैं नाम बोल रहा हूं, 4 out of 5 ही थे उनके भी। किनके थे थर्ड, कौन आया था बता दो, अपने में से ही था क्या कोई? कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। बाकी जने क्विज नहीं देते तो छोड़ो, आपको कहना खराब है, गलत ही आपको कहना ही नहीं चाहिए, मत दो यार। मैं भी टेंशन ज्यादा नहीं लूंगा आपकी अब। चलिए नेक्स्ट करते हैं, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 8। देखिए, एक सेंटेंस बनते हैं इंग्लिश के अंदर ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ से। तो जैसे मैं बोलूं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश सिटिंग हियर, तो इस तरह के कुछ सेंटेंस बनते हैं इंग्लिश के अंदर। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं यहां पर। तो एक छोटा सा लॉजिक समझना है आपने, ए नंबर ऑफ के साथ में आप वर्ब जो यूज करते हैं वो प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। किसको? प्लूरल वर्ब। वापस देखेंगे, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे बच्चे। तो अगर मुझे ऑप्शन में वॉज या फिर वर मिलता है तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा? वर का यूज करूंगा। ठीक है, इसको लिखेंगे पहले। एक एग्जाम्पल लिखिए और एग्जाम्पल लिखवा दूंगा, पहले छोटा सा लॉजिक है वो बताने दो। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर सिटिंग हियर, बहुत सारे बच्चे यहां पर, मतलब झुंड है, काफी बच्चे बैठे हैं, उनकी बात करें तो वर्ब
प्लुरल। तो अगर मैं रूल नंबर लिखूं तो ए नंबर ऑफ के बाद में अगर कोई सेंटेंस ए नंबर ऑफ से शुरू होता है तो वर्ब कौन सी आती है? प्लुरल आती है। ठीक है, ये तो है इसका फर्स्ट वाला। और रही बात सेकंड वाले की, तो सेकंड वाले में क्या है कि जब द नंबर ऑफ आता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस केस में आपकी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है। यही तो गेम है सारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। यानी कि अगर द नंबर ऑफ दिखता है आपको, अगर मैं ये सेंटेंस बनाऊं द नंबर ऑफ पीपल या द नंबर ऑफ बॉयज डैश सिटिंग हियर, द नंबर ऑफ बॉयज डैश सिटिंग हियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो इस केस के अंदर हालांकि देखो बॉयज के साथ में एस लगा हुआ, यानी बहुत सारे बॉयज की बात हो रही है, बट शुरुआत में क्या लगा हुआ दिख रहा है आपको? द नंबर ऑफ। याद करना है, कोई ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, आप अभी कोई टेस्ट नहीं दे रहे हो, ना ही आप पेपर के अंदर बैठे हो कि ये सब क्या गैस तुक्का मारना है, कुछ तुक्का नहीं मारना है, चीजें वो समझना है पहले आपने, आप बस अभी सिर्फ समझ रहे हैं। तो ए नंबर ऑफ के साथ में आप वर्ब कौन सी यूज करते हो? प्लुरल वर्ब यूज करते हो, द नंबर ऑफ बॉयज इज सिटिंग हियर। अब देखो यहां पर इज का यूज हुआ, अगर मैं इन दोनों में ऑप्शन में जाऊं तो यहां पर मैं क्या यूज कर दूंगा? वॉज का यूज कर दूंगा जी। एक एग्जांपल और देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे इन क्लास। ठीक है, अगर ये, और अगर लगाऊं मैं ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। हाँ जी बताओ भाई, टॉपिक समझ आया कि नहीं आया? फिर देखेंगे नेक्स्ट बार। दिख रही है वीडियो? ये आप बताइए, बताओ भाई क्या आएगा, इज या आर? हाँ जी समझा देते हैं एक बार, वापस समझा देंगे, टेंशन ही ना लो। हाँ जी इतना देखो, पहले लिख लो या फोटो खींच लो इसकी, लिखने के लिए टाइम दे रहा हूं मैं आपको। हाँ जी बिल्कुल, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के साथ में आप सब्जेक्ट प्लूरल का यूज करेंगे, काफी संख्या की बात हो जाती है जब ए नंबर ऑफ बहुत सारे, फिर सिंगुलर लगाओगे तो कोई सेंस नहीं है, गलत हो जाता है सेंटेंस। और कोई डाउट? अ मेजोरिटी ऑफ बॉयज नाल की लगेगा? अब मेजोरिटी ऑफ बॉयज नहीं, नंबर ऑफ की बात हो रही है, हालांकि वो बिल्कुल सही है आपकी, तो मेजोरिटी ऑफ बॉयज के साथ में आप उसी का यूज करोगे, आर का जी। अ मेजोरिटी ऑफ बॉयज आर ही लगेगा जी उसके अंदर। कोई टेंशन लो भी, कोई डाउट है क्या? नहीं लग रहा मुझे। चलिए अब बात करते हैं कुछ अच्छे से idioms की, लिखते हैं। हालांकि दो रूल करवाने थे, देखो रूल तो करवाने को चार करवा दूं, बट मैं सोचता हूं कि ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए हम, है ना, दिमाग कहीं घूमने ना लग जाए, तो दो ठीक है, दो दो करके हमने आठ रूल्स याद कर लिए हैं इसके, आठ के आठ रूल्स हमें याद हो जाने चाहिए, और आपने आठ के आठ रूल्स याद कर लिए हैं। जिसने नहीं लिखा था वो प्लीज वीडियो को 5 सेकंड पीछे करके 10 सेकंड पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना।
कोई दिक्कत आ रही है क्या, बताओ भाई। हाँ जी, न्यू वर्ड्स ही करवा रहा हूँ जी, बिल्कुल न्यू वर्ड्स ही करवाऊँगा, तभी मैंने ये बंद कर दिया एक बार। मेरे को दो रूल्स ही करवाने हैं, करवाने को एक पूरा घंटा करा सकता हूँ, बट क्या है ना कि हमारे को हिसाब से चलना चाहिए। एक साथ ज़्यादा करें एक साथ कम करें नुकसान है। नो डाउट नो डाउट। चलिए कुछ अच्छे वर्ड्स करते हैं जिसको आप डेली लाइफ में यूज कर सकें। ईडियम ऑफ द डे क्या था जल्दी से बताओ, जो लोग नहीं जुड़े थे उनको पता लग जाएगा। आज का ईडियम हमने क्या किया था, स्पीड मार के मैसेज कर दो। गोल्डन वोकैब, गोल्डन अच्छी वाली वोकैब करेंगे। चलिए सबसे पहला वर्ड आज का, फर्स्ट वर्ड, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाए। इसका अल्टरनेट भी बताऊंगा बट ये लिखें पहले। ऑर्डिनरी का मतलब चिड़चिड़ा, कई बार छोटे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं उस तरह से चिड़चिड़ा। और इसका ओपोजिट या ओपोजिट नहीं सॉरी इसका अल्टरनेट क्या कर सकते हैं, ग्रम्पी। जो बढ़िया लगता है वो कर लो, दोनों का मीनिंग क्या है, चिड़चिड़ा। द चाइल्ड हैज बिकम ऑर्डिनरी, चाइल्ड क्या बन गया, ऑर्डिनरी बन गया, ड्यू टू इलनेस, बीमारी की वजह से या बीमार होने की वजह से बच्चा चिड़चिड़ा हो गया। सत श्री अकाल जी। नेक्स्ट, ये तो था सबसे पहला वर्ड ऑर्डिनरी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, ओके देन। सेकंड देखें, किसी को रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट करना यानी अर्ज करना, इस तरह याद कर सकते हैं, अर्ज किया है ना, अर्ज किया मतलब रिक्वेस्ट की है, कोई शायरी नहीं सुना रहा मैं, अर्ज किया है। तो किसी को रिक्वेस्ट करना, किसी को आग्रह करना, हिंदी में पूरा बोलें तो अर्ज करता हूं कि मुझे एक पेन चाहिए, तो रिक्वेस्ट करना, अर्ज करना, किसी को आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना। हाँ जी, कोई डाउट? एग्जाम्पल दूं क्या? ओके, ही इज अर्जिंग मी फॉर मनी, वो मेरे लिए, वो मेरे को पैसे के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे पैसा दो। अर्ज के साथ में आई एन जी लगाया, किसी भी वर्ब के पीछे ई आता है और आपको आई एन जी का यूज करना पड़े तो ई हमेशा हट जाता है। ये क्या है, स्पेलिंग रूल्स है, किसी दिन स्पेलिंग के रूल्स करवाएंगे आपको। ही इज अर्जिंग मी ऑफ फॉर मनी। थर्ड, इनिशिएट करना, कोई चीज को शुरू करना, बिगेन करना, कोई चीज को शुरू करना यानी इनिशिएट करना। वह एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो ही इज इनिशिएटिंग अ न्यू बिजनेस, ही इज इनिशिएटिंग अ न्यू बिजनेस। ओके, नेक्स्ट, टैकल करना, किसी चीज के साथ में टैकल करना, टैकल मतलब उसको हैंडल करना, वर्ब है ये भी, टैकल करना भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब नहीं है, ये किसी को एज एडजेक्टिव या किसी को क्वालिटी दे सकते हैं हम। टैकल, हैंडल करना। पीपल डैश टैकलिंग, पीपल डैश टैकलिंग कोविड, बताओ भाई हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज आर, क्या आना चाहिए? एग्जाम्पल दे रहे हैं जी, टेंशन ना लिया करो, एग्जाम्पल दे के छोड़ूंगा।
हाँ जी बताओ भाई, इज आएगा आर आएगा? स्पीड मारो भाई, स्पीड बहुत धीरे चलते हो। हाँ जी आर आएगा। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, आ रहेगा, बिल्कुल सही है। देखो पीपल क्या है, पीपल का मतलब लोग, और सिंगुलर तो कभी होते नहीं है, पीपल के साथ में आ रहेगा। अच्छा अगर मैं यहां पर पुलिस कर दूं फिर बताओ क्या आएगा, इज या फिर आर? पुलिस डैश टैकलिंग कोविड, बताओ भाई इज या फिर आर? जवाब नहीं आया। हो सकता है मैसेज शायद लेट आते हैं, हो सकता है आर पुलिस के साथ आर आएगा। बाकी क्या बोलते हैं आर, कोई और? देखो पुलिस जो है एक प्लूरल है, अपने घर पे, घर पे तो क्यों बोलें, किसी जगह पर पुलिस आ गई तो पुलिस का मतलब बेसिकली कभी भी सिंगुलर से नहीं है कि एक जना आएगा, हालांकि एक भी आया हो, बट पुलिस क्या है, प्लूरल नाउन है, इसके साथ में आप आर का यूज करेंगे ना कि इज का। इसी तरह से चिल्ड्रन भी है, चिल्ड्रन मतलब बच्चे है ना, और अगर किसी एक बच्चे की बात करनी है स्टूडेंट बोल सकते हो आप उसके साथ में, चाइल्ड तो है ही आपका सिंगुलर। नेक्स्ट इज क्यों आएगा जी, पुलिस के साथ में आर ही आएगा जी, पुलिस इज कमिंग नहीं है, पुलिस आर कमिंग। चलिए इरेज करता हूं इसको, कुछ नए और लिखते हैं। कोई टेंशन, चिल मारो भाई, पानी पी लेते हैं अपने, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए कुछ अच्छे वर्ड्स और लिखते हैं, हमने ऑलमोस्ट 5-6 लिख लिए ना। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ घर पे सपोज गिलास तोड़ दिया कांच का, है ना, हमने तोड़ा, कैसे भी टूट गया, टूट गया पर ठीक है, अब गिलास टूट गया, अब क्या होगा, हमें ऐसा होता है कि यार मम्मी को पता ना लग जाए, अगर मम्मी को पता लग गया तो भैया खैर नहीं अपनी, है ना, मतलब फिर क्या होएगी, परेड होएगी, मार पड़ने वाली है। तो उस वक्त क्या होता है, थोड़ा डर लग रहा होता है अपने को, डर तो लग रहा है, बट उसी टाइम भाई ने भी देख लिया या बहन ने, छोटी बहन छोटे भाई ने देख लिया, और अब तो दिक्कत है, मतलब उसने देख लिया, अब वो मम्मी को बताएगा, क्योंकि भाई बहन में अक्सर यही रहते हैं हाँ, कि किसी की गलती पकड़ी जाए तो बताने को आगे रहते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, हम बड़े स्मार्ट हैं, अगर बड़े हैं अपने स्मार्ट हो जाते हैं, आजकल तो छोटे बच्चे भी स्मार्ट हैं, हम उसका मुंह बंद करते हैं एक चॉकलेट देकर, टॉफी देकर, कुछ भी लालच देकर उसको, है ना, किसी को लालच देकर हम कुछ भी कि यार तू मत बता मम्मी को, चल चॉकलेट खा ले, है ना, होता है ऐसा, होता है कि नहीं होता? तो किसी का मुंह बंद करना बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, मुंह बंद करना। सपोज अगर किसी छोटे भाई को मंच चॉकलेट पसंद है तो उसका मुंह बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा, मंच चॉकलेट देनी पड़ेगी। तो मंच से याद कर लो मजल, मजल 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 होता है, एक वर्ब है, किसी का मुंह बंद करना, मतलब कि उसको बोलना कि भाई साहब ये बात कहीं और मत जानी चाहिए, और नहीं जानी चाहिए, अपना मुंह बंद रखना। तो मजल एक वर्ब है, इसको लिखें हम। उसके बाद में कई जगह पर अत्याचार हो रहा हो तो अत्याचार का मतलब एट्रोसिटी, एट्रोसिटी मतलब अत्याचार।
बड़ी सिटियों में एट्रो एट्रो के नाम पर अत्याचार होता है, ठीक है, अत्याचार करना एट्रोसिटी, हिंसा वोयलेंस, किसी चीज पर जोर देकर कहना। सपोज मैंने जोर देकर कहा कि ये गलत है, तो उसको बोलते हैं असर्ट। असर्ट यानी एक वर्ब है, जोर देकर कहना। सरकार ने जोर देकर कहा कि मास्क पहनो अदरवाइज लड़ाई हो जाएगी या फिर फाइन लग जाएगा। जोर देकर कुछ कहना। सपोज ग्रुप के अंदर बैठे हैं, कोई मेरी बात को सुन ही नहीं रहा, मैंने उसको जोर देकर कहा सुनो मेरी बात को, है ना। तो असर्ट करना यानी जोर देकर कहना। मजल का एग्जाम्पल बिल्कुल देते हैं जी, मजल का एग्जाम्पल। ये वाले इरेज कर दूं नीचे वाले। When I broke, जब मैंने मैंने broke a glass, suddenly my brother saw me, उसने मुझे देख लिया। Then I thought टू मजल, मैंने थॉट टू मजल हिम, तो मैंने उसको, मैंने सोचा कि उसका मुंह बंद कर दिया जाए। बाय गिविंग, कुछ भी ले लो, चॉकलेट। लो जी, बड़ा काफी बड़ा एग्जाम्पल बन गया। स्टिर या फिर एजिटेट, आंदोलन करना। आंदोलन हो रहे हैं ना जी, तो आंदोलन करना। स्टिर या एजिटेट, एजिटेट ही बोले बेसिकली, आंदोलन करना। सारे वर्ड्स एक साथ लिख लेंगे, पहले आप लिखो इतने इतने। किसी चीज में इंक्लूड होना, इंक्लूड का मतलब क्या होता है, शामिल होना। एक नया वर्ड चल रहा है जी, इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब शामिल होना। और बताइए कोई और एग्जांपल, वर्ब है ये, है ना, कुछ भी टेंस बना सकते हैं आप। एक और कर लीजिए, इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, घटना, इंसिडेंट। इंसिडेंट से याद हो सकता है ये, इंसिडेंट। हाँ जी, तो ये थे कुछ अच्छे वर्ड्स। अब इनके ऊपर काम करना पड़ेगा कि इसको यूज कैसे करना है। आप इनमें से अगर चार वर्ड्स भी अच्छे से यूज कर लेते हो तो आपको फायदा मिल जाएगा इस क्लास का, ठीक है। ज्यादा लंबी नहीं करेंगे क्लास को। बताओ भाई, घुस गया दिमाग के अंदर कोई चीज में डाउट है तो पूछिए। अब एक बार मैसेज देखता हूं मैं। हाँ जी बताइए, कोई डाउट, इज देयर एनी डाउट, क्या कोई डाउट है, कोई मन में डाउट, शंका, गिले शिकवे, कुछ भी बताइए। ये देखिए, बताइएगा कोई डाउट है तो। क्लास को ओवर कर दें जी। देखो इसके अंदर आप मजल जो वर्ब है ना, इसको याद रखना, मुंह बंद करना। ये वर्ब काफी इंपॉर्टेंट है और हर एक से अलग है ये। नॉर्मल जो वर्ब्स होती हैं वो तो हमारे को आती हैं, बट ये वाली जो वर्ब है ना, ये ज्यादातर लोगों को नहीं आती होगी। आप किसी से पूछ कर देखना कि मैंने उसको चॉकलेट देकर मुंह बंद कर दिया, है ना। हालांकि हम किसी का मुंह ऐसे पकड़ के बंद नहीं करते हैं कि ये ले बंद कर दिया, वैसे मतलब कि एक अलग ही मीनिंग निकलता है। तो ये जो वर्ब है ना मजल वाली, इसको याद रखना, काफी अच्छी वर्ब है ये। मजल, मजल यानी मुंह बंद कर देना। कुछ भी देकर, पैसे देकर, लालच देकर, टॉफी देकर, डिपेंड करता है आपका भाई कितना शरारती है, कितना खराब है, कितने में मानता है, सौदा कितने में पक्का होता है ना, एग्रीमेंट कितने में होगा।
कोई डाउट है तो पूछिए भाई, जल्दी से बताइए। एक बार सारे वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ, मीनिंग बताते जाइएगा, मैं सिर्फ इसको इरेज करके वर्ड लिखूंगा। जल्दी से बताइएगा मीनिंग कौन बताता सबसे पहले। एक बार रीडिंग ले लीजिए, क्विक रिवीजन ले लीजिए, जल्दी से रिवीजन ले लो, ताकि ये मत बोलना कि सर जी टाइम ही नहीं दिया आपने। एक मिनट रिवीजन ले लो, फिर छोटा सा टेस्ट देगा ताकि आपको याद हो जाए। बाद में नहीं याद होंगे ये, अभी याद होके टेस्ट दे दो, हो जाएंगी चीजें समझ। ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, जल्दी से बताओ। एक मिनट है आपके पास में, जल्दी से रिवीजन ले लो। कोई डाउट नहीं लग रहा है ना? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, बढ़िया है। नो डाउट ही रहना चाहिए जिंदगी में, डाउट होने नहीं चाहिए। अच्छा लाइट देख के बताना, एक लाइट और ऑन करता हूँ, फर्क पड़ता है कि नहीं। पहले से कुछ और बेटर हुआ क्वालिटी में? क्वालिटी और बेटर हुई? वैसे तो मेरे को लगता है क्वालिटी ठीक आ रही है ना। ओके देन, छोटा सा टेस्ट, फिर उसके बाद में आप बताइएगा। मजल, मजल, ओके जी, इरेज करता हूँ। जल्दी से तैयार रहना जवाब देने के लिए, बिना देखे, चीटिंग नहीं करनी है, नो चीटिंग। गलत हो जाए कोई बात नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आज, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहला assert, 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 जल्दी से बताइए assert का मतलब क्या? assert, हाँ बिल्कुल जोर देकर कहना, बहुत ही बढ़िया, आता है अपने को सभी को, किसी चीज पर जोर देकर कोई चीज को कहना, यानी कि मैं अगर वो बात मनवाना चाहता हूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, असर्ट करना पड़ेगा, उसको जोर देकर कहना पड़ेगा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट करते हैं अर्ज, स्पीड मारो, अर्ज, अर्ज यानी बताओ भाई, बताओ आप ही बताओ। बिल्कुल रिक्वेस्ट करना, बहुत ही बढ़िया, बाकी जाने रिप्लाई नहीं दे रहे, क्या बात, आता नहीं है क्या? थर्ड, ऑर्डिनरी, इंडल्ज, फोर्थ वन है आपका इंडल्ज। बिल्कुल सही, इंडल्ज बताइए, उसके बाद में टैकल, सिक्स्थ, सबसे फेवरेट आज का वर्ड ऑफ द डे, वर्ड ऑफ द डे है भैया, तो टैकल, हैंडल करना किस चीज को, है ना। मजल आप बताओगे, इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब कोई चीज को स्टार्ट करना। वोयलेंस,
मजल का मतलब कुछ खा पी खिला पिला कर कुछ मुंह बंद करना किसी का। वॉयलेंस हिंसा है ना, और एजिटेट या फिर स्टेर, बताओ भाई जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल, माउथ बंद करना, बहुत ही बढ़िया जी, स्टार्ट करना हिंसा। सही है, सही है, एकदम सही है। आंदोलन, बहुत बढ़िया। लास्ट है 10th वाला वर्ड, एक और लिख लेते हैं यहां पर ही। इंस्टेंस, इंस्टेंस, लो जी लास्ट है ये। और एडियम ऑफ द डे क्या था? स्नेक इन द ग्रास, मतलब अ हिडन एनिमी, ऐसा दुश्मन जो सामने से नहीं नजर आता, पीठ पीछे है वो दुश्मन आपका, मतलब वो शो नहीं करता बट आपसे काफी वो जेलस करता है। ओके, तो ये थी आज की क्लास, जिस इसको पसंद आई है शुक्रिया, है ना। कैसी लगी क्लास जल्दी से बता दीजिए। मिलेंगे आपको कल शाम को 7 बजे। आपकी तरफ से कैसी लगी क्लास जल्दी से बता दीजिए। धन्यवाद जी। 10 out of 8, 2 पॉइंट्स कहाँ पर काटे जाते हैं वो भी बता दीजिए एक बार जल्दी से, कि 2 पॉइंट्स कम क्यों मिले अपने को ना क्लास के, जल्दी से बताओ। देखो यार, अपने को पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि आप बिना पढ़े कुछ भी हासिल कर सकते हैं ना, पढ़ना तो पड़ेगा। और अगर आपका शेड्यूल बन गया है डेली क्लास लेने का शाम को, तो छुट्टी छट्टी मत लें, शाम को 7 से 8 लगातार क्लास चलती है। और अगर छुट्टी लेनी है तो मुझे बता दो ताकि मैं ही छुट्टी कर दूं लगातार फाइनल वाली, है ना। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जिनको क्लास बढ़िया लगी बहुत बहुत शुक्रिया, और थोड़ा पढ़ाई करो भाई, छुट्टी नहीं लो, और अगर छुट्टी लेनी है तो बता के लो कि सर जी आज छुट्टी लेंगे। टेलीग्राम पर आप जुड़ते नहीं हो, क्विज आप देते नहीं हो, प्रोग्रेस कहाँ से आएगा? प्रोग्रेस तभी आएगा जब साथ में आप बात मानो मेरी, क्विज दोगे टेस्ट दोगे तभी फायदा होगा, क्विज दोगे ही नहीं तो फिर ठीक है, जैसी आपकी चॉइस। चलिए तो मिलते हैं आपको कल शाम को 7 बजे, आज के लिए बस इतना ही, और स्टे सेफ, घर पर रहिए है ना, बाहर मत निकलिए, ध्यान रखिए खुद का, स्टे सेफ, स्टे होम, कीप लर्निंग इंग्लिश विद अमन सर, थैंक यू सो मच।